जानसी, तुमको डांस पसंद है ना, इसीलिए मैंने प्रभुदेवा से और राजू सुंदरम मास्टर से डांस सीख के आया हूँ। अब तुमको आई लव यू कहना ही पड़ेगा। हाँ, हमारे घर वाले भी तुमसे कुछ पूछने के लिए कहते रहते हैं। क्या मुझे आई लव यू कहने के लिए कह रहे थे? नहीं, सेठ कौन है पता है क्या? ये बताओ, तुम्हारा और सेठ का संबंध क्या है? सेठ मेरे डैडी हैं। दिव्या, आई लव यू दिव्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, सिर्फ एक बार आई लव यू कह दो, मैं तुम्हारी अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। कौन है विनोद? मैं उससे बेहतर हूँ। तुम मेरी हो और सिर्फ मुझसे प्यार करो। पगला कहीं का? देख, एक साल बाकी है, देखना मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा। चल भाग। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा जानम, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। डार्लिंग, तुम मुझसे शादी करोगी तो मेरे डैडी बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है, उनसे कहकर मैं तुम्हें फिल्मों में गाने का चांस दिलवाऊंगा। तुम सच कह रहे हो? अरे बाप रे, अरे दोस्तों, हमसे लड़कियां नहीं पटेगी। तोते का ज्योतिष, हाथ का ज्योतिष, कंप्यूटर ज्योतिष, आइए आइए आइए। तोते का ज्योतिष, हाथ का ज्योतिष, कंप्यूटर ज्योतिष, फ्यूचर टॉर्चर सब बताऊंगा। आपको क्या चाहिए? हमें लड़की चाहिए। गलत जगह पर आ गए हैं, फ्यूचर बताने का ज्योतिष हूँ, लड़कियों का दलाली नहीं करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? बद्री, सिद्धार्थ, स्टालिन और आदि। आप लोगों का नाम तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है खोपड़ी खाओ दिमाग खाओ ज्योतिष। हमारा खोपड़ी मत खाओ, पहले फ्यूचर बताओ। अपने अपनी खोपड़ी कुजाओ, प्यारे तोते इन लोगों का भविष्य बताओ। जल्दी इधर देखो, ये देखो, ऐश्वर्या राय, ज्योतिका, सिमरन, ये तुम्हें सपने में भी नहीं मिलेंगी क्योंकि इन सब की शादी हो चुकी है। तुम्हारे चेहरे देखकर लड़की मिलना मुश्किल है। अरे दोस्त, अपने से तो लड़कियां पटेंगे नहीं, यार प्रभाकर के नाम से देखते हैं। देखो, आजा मेरे सर खुजाओ, इन सब की किस्मत बताओ, आजा देख क्या रहा है, आजा। अरे सोच क्या रहा है, प्रभाकर का नाम लेके चिट्ठी निकाल। अरे ये क्या हो रहा है, उसके नाम पर तो सर खुजा बाहर ही नहीं निकल रहा है। चलो कौड़ी से देखता हूँ, इससे सब पता चल जाएगा। अरे ये तो सब उल्टा हो गया सर खुजा के, अब मैं कैसे भविष्य देखूं? कंप्यूटर से देखता हूँ। प्रभाकर प्रभाकर प्रभाकर, ये कैसा नाम है, मेरा सारा कारोबार ही चौपट कर दिया। अब मैं बताता हूँ उसकी जन्म कुंडली, वो जहाँ भी रहेगा प्रॉब्लम होने वाला है। इतना ही नहीं, प्रॉब्लम उसको ढूंढते हुए आएगी। हाय, नमस्ते। कौन है आप? तेरा दामाद रसीद नायर। ये क्या है? इलेक्शन का फंड है ये। इलेक्शन से मुझे क्या मतलब? पैसा चाहिए, इसमें जो लिखा वो देना। इतना मैं नहीं दे सकता। तेरी तो भाई, उससे क्या मतलब है, इधर है ना अपना धन लक्ष्मी। अपना अमाउंट बराबर है क्या? उससे ज्यादा होगा भाई। जो भी इस डिब्बे में ले जाता हूँ शाम तक फिर से भर जाएगा ये। ए। ए, बीच में कौन बोला रहे? यमराज हूँ मैं। अनाथ लोगों का पैसा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है भाई। Hey, इसके हाथ पैर तोड़ दे। आप मेंटल हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? क्यों पूछ रहे हो भाई? क्यों, आप पागल हैं जो पागलों का हॉस्पिटल जा रहे हैं? तुम्हें मालूम नहीं है क्या, मैं मेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ। अच्छा अच्छा, जरा ऑटो रोकना। दादाजी जरा रुकिए, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? महात्मा गांधी है ना? हाँ हाँ, उनका दांडी यात्रा इधर से शुरू हो रहा है, मैं भी शामिल होने जा रहा हूँ। इनकी बातों से मैं पागल हो जाऊंगा। ये बताओ तुम कौन हो? मैं
पी नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ हाँ वही। तो गुलाब का फूल कहाँ है? रास्ते में एक बच्ची ने मांगा उसे। अच्छा आप किधर जा रहे हैं? दांडी यात्रा में शामिल। दांडी यात्रा में जा रहे हैं? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, साथ में चलते हैं। चलो चलो। हेलो, क्या हुआ, क्या बात है? क्या किया उसने? क्यों डॉक्टर साहब, आपने इनको तमीज नहीं सिखाया? जब देखो मारपीट करके स्टेशन आते रहते हैं। हैं? डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि गुंडे लोग अनाथालय का पैसा ले जा रहे थे तभी मैंने इनको मारा। अपने बेटे का साथ देने वाले लड़कों की सूरत तो देखो, ये सब के सब चोर लफंगे दिखते हैं। गुंडों को पकड़ नहीं सकते, हमें गुंडा कह रहे हैं। गुंडों को पकड़ने के लिए हम हैं, इनसे कहिए अपनी पढ़ाई लिखाई किया करें। सॉरी सर, इनकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। ऐसा कब तक कहते रहेंगे आप? शर्म वरम आती है कि नहीं? दोबारा अगर ऐसा हुआ तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। अंग्रेजों के टुकड़ों पर पलने वाले तुम लोग हमारे नेहरू जी और उनके लड़कों को तो धमकी दे रहा है। गांधी जी सत्याग्रह के लिए तैयार हो गए हैं। तुम लोग इस देश को छोड़कर चले जाओ और इनको छोड़ दो। ये क्या कर रहे हैं? सत्याग्रह का समय हो गया है, गांधी जी आपका इंतजार कर रहे हैं। आप यहाँ झगड़ा मत कीजिए, देशभक्तों को लेकर मैं आता हूँ। आप बाहर रुकिए, ये मुझे दे दीजिए। हम तो अहिंसावादी हैं, हमें हथियार उठाने पे मजबूर कर दिया, अनर्थ हो गया। सॉरी सर, वो थोड़ा पागल है, उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। बंद करो ये ड्रामा, आपके घर में तो आधे ऐसे ही पागल हैं। ऊपर से सारे पागलों को इकट्ठा करके मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं आप? आपका लड़का तो आधा पागल है, आप तो पूरे पागल हैं। अगर आप इधर आएंगे तो मैं पागल हो जाऊंगा। अरे जाइए यहाँ से, ले जाइए इन लोगों को। प्रभाकर, मैं तुझे कितनी बार समझाऊं, तेरे डैडी हॉस्पिटल जाके पेशेंट को देखेंगे या फिर डेली पुलिस स्टेशन जाके तेरी जमानत करवाएंगे? कॉलेज जाके पढ़ने की बजाय गुंडागर्दी करता रहता है। माँ, वो इंस्पेक्टर मुझे डांट रहा था, मुझसे ज्यादा डैडी को पागल कह रहा था। दुनिया भर के पागलों का इलाज अपने हॉस्पिटल में ये करते हैं। मुझे समझाने से पहले डैडी को समझाओ। ए, ज्यादा मत बोल। तुम जरा शांत हो जाओ। देखो बेटा, रोड पर किसी अनाथ को हम कैसे छोड़ सकते हैं? वो कौन है, क्या है, ये जानकर उसकी मदद करनी चाहिए, यही इंसानियत का कर्तव्य है। अनाथ लोग दिमाग से कमजोर होते हैं, उसको हॉस्पिटल में ले जाना मेरा फर्ज बनता है। दुनिया वाले कुछ भी बोले, मुझे इसकी परवाह नहीं। वो आपके लिए होगा डैडी, मगर मेरे लिए तो ये इज्जत की बात है। हमारी गली का नाम है मेंटल डॉक्टर गली। लोग मुझे डॉक्टर नेहरू का लड़का नहीं कहते, मेंटल डॉक्टर का लड़का कहते हैं। तो अपनी गलती सुधारने के बजाय अपने डैडी पर इल्जाम लगा रहा है, ये सब आपकी लाड प्यार की वजह से। कल से तू कॉलेज नहीं जाएगा। इसको आप अपने साथ ले जाइए और कंपाउंडर का काम सिखाइए, तब जाके ये सुधरेगा। मिस्टर नेहरू, आज के बाद मैं पुलिस स्टेशन गया तो मुझे जमानत देने की जरूरत नहीं है, यहाँ रहने से उधर रहना बेटर होगा। ए, तू मुझे नाम से पुकार रहा है? हाँ, मुझे तेरे बोलने की स्टाइल अच्छी लगी। ए, तू अभी भी अपसेट है? तू अपनी माँ को जानता है ना, वो तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ कहती रहती है। दुखी मत हो बेटा, ये ले पकड़, अपने दोस्तों के साथ जाके एंजॉय कर। ए, गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं गुस्सा करूंगा तभी तो आप पैसे दोगे। हाँ? सर, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो सर। पुलिस पे हमला करके भागने की कोशिश की, एनकाउंटर में मारा गया, केस की फाइल बना दो। अरे बीच सड़क पर केक काटने वाला कौन है? लगता है कॉलेज की लड़कियां हैं सर। हेलो, मैं श्वेता के कॉलेज की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। वो हफ्ते में 3 बार भी क्लास अटेंड नहीं करती है। पेरेंट्स लोग कंप्लेन करते हैं कि उसने अपनी सारी सहेलियों को बिगाड़ा है। आप अपनी बहन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए सर, वरना उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। ओके मैडम, आई विल चेक देम। एक्सक्यूज मी मैडम, गाड़ी में बैठ जाइए। What? आज से आप कहीं भी जाएंगी तो हम आपके साथ चलेंगे। Who are you?
हमें सर ने भेजा है तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए। भैया मैं क्या अभी भी छोटी सी बच्ची हूँ जो मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है? आई कांट गो विद देम, ओके? यू मस्ट गो विद देम। आ रही हूँ ना, बाय। भैया मैं रोज कॉलेज जा रही हूँ या नहीं यही चेक करने के लिए आपने सिक्योरिटी अरेंज की है ना? हाँ, तुम्हारा भविष्य पता है, तुम्हारा पढ़ना जरूरी है। आज के बाद तुम जहाँ भी जाओगी ये लोग तुम्हारे साथ होंगे। चल रहा कभी। मैडम 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 रुक जाइए मैडम, रुकिए मैडम। अरे सुनिए मैडम, कहाँ जा रही है? रुक जाइए मैडम, मैडम रुक जाइए, मैडम रुक जाइए। लड़की को हमारे हवाले करो। चला जा, है लौट जा। Stop! अरे ये तो कमाला है, चलो इसको बचाते हैं, चलो चल 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 चल। ये क्या है, बच्चों के खेलने वाला गन दिखाकर मुझे डरा रहे हैं? हम लोग पुलिस वाले हैं। हाँ पुलिस वाले, सॉरी सर, आप लोग वर्दी में नहीं थे और लड़की का पीछा कर रहे थे तो गुंडा समझ के मारपीट किया। आई एम वेरी सॉरी सर। इन्होंने कहा ना अनजाने में मारपीट किया, छोड़ दो इन्हें, जाने दो। मैडम आप चुप हो जाइए, ऐसे ही टपोरी लोग आप जैसी लड़कियों के सामने हीरोगिरी दिखाकर बाद में प्यार मोहब्बत बिल्डअप करते हैं। सर 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 ये क्या ड्रामा है, अब तक मुझे आइडिया नहीं था, अब तो आपने आइडिया दे दिया, मैं फॉलो करूंगा। स्वीटी आई लव यू। जानता है कौन है ये? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रविचंद्र की बहन है ये, तेरे को एनकाउंटर कर देंगे। अरे रे, क्या साहब आप मुझे डरा रहे हैं? पुलिस की बहन है तो प्यार नहीं करेगी? स्वीटी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। स्वीटी डार्लिंग, तुम अपने भाई से डरना नहीं, मैं हूँ। डेटिंग वेटिंग जब भी तुम्हारा मूड होगा तो मुझे बताना, समझी? ओके, लोनावाला घूमने चलेंगे। बहुत सुंदर दिख रहा है, इस गेटअप में पेपर में दे दिया तो तुझे लड़की देने के लिए कोई नहीं आएगा। सर सर इसे छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा लड़का है, जाने में गलती की थी, माफ कर दीजिए। सूरे तुम लोग इसके सपोर्टर हो? हाँ सर, ये मेरा फ्रेंड है, इसको कुछ हो गया तो हम रह नहीं पाएंगे। ओहो इसे छोड़ दिया तो ये कमिश्नर की बहन से प्यार करेगा, लगता है तुम सब पुलिस वालों की बेटियों से प्यार करते हो। है इंस्पेक्टर, व्हाट इज दिस? मैडम आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं यहाँ पर सबकी जमानत लेकर आई हूँ। आपको प्रॉब्लम दिया इसीलिए इन सबको अरेस्ट किया है? मुझे प्रॉब्लम दिया ऐसा आपको किसने कहा? मैंने तो इन सब की कंप्लेन नहीं की थी, फिर आपने अरेस्ट क्यों किया? आपके सिक्योरिटी ने कंप्लेन दिया है। अरे ये लड़की तो हमारी ही तरह बात कर रही है, लगता है उसके भी कपड़े उतार कर बिठाएंगे। चलो सर, नहीं तो हमारी चड्डी भी उतर जाएगी। जमानत के पेपर दीजिए। ले लीजिए सर।
बहुत बहुत धन्यवाद, इस बार आपने हमें बचा लिया। थैंक्स स्वीटी। हे, थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, क्योंकि पहली बार किसी लड़के ने हिम्मत करके मुझे आई लव यू कहा है, और वो तुम हो। आई लव यू टू। फिर मिलेंगे प्रभाकर, बाय। ए, रुको। ए, अरे ये लड़की भी, मैं तो सिक्योरिटी के सामने मजाक में आई लव यू ऐसे ही कह दिया था, ये तो एकदम सीरियस हो गई यार। तो गया यार, तुम अपने हाथों से खिलाओगी तो अच्छा लगेगा, खिलाओगी ना? अरे तेरी बकवास बंद कर। हे, जल्दी खत्म कर, टॉर्चर पार्टी इधर ही आ रही है। अरे जल्दी से मुंह छुपा ले, वरना हमें परेशान करेगी। ए, तुझे मुंह छुपाना है तो छुपा, हम क्यों मुंह छुपाएं? हाय। हेलो। हाय। तुम तो मुझे आई लव यू कह के चले गए, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, बताओ ना क्या करूं। देखिए मैडम, उस दिन सिक्योरिटी के सामने मैंने मजाक में कह दिया था, उसे आप सीरियसली मत लीजिए। ए, हाँ? क्या कहा, समझता क्या अपने आपको? तू क्या अपने आपको बहुत बड़ा हीरो समझने लगा है? कॉलेज जाती हूँ तो पीछा करते हो, बस स्टॉप पे लव लेटर देते हो, कभी तुमने अपनी शक्ल देखी है नहीं? बैठ जाइए प्लीज। छी, छोड़ो, मेरा फोन नंबर लेके मुझे फोन करते हो, जब मन चाहे तब SMS भेजते हो, क्यों अब तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? आइंदा मुझे कोई भी लव लेटर दिया या मेरा पीछा करने की कोशिश की ना तुमने, तो मैं तुम्हें जेल में हमेशा के लिए बंद करा दूंगी। मुझसे कहता कि मैं इसे आई लव यू नहीं कहूंगी ना, तो ये बदले में मेरे फेस पे ऐसे डलवा देगा, समझ जा इडियट। ए, साइड हो जा। ए, इसकी कमर इतनी खूबसूरत है, तभी तो तूने आई लव यू कहा होगा। लड़की का चेहरा देखकर तू फिसल गया क्या? यारे, ये प्रॉब्लम तो मेरी है, मुझसे पूछ ना। ये सब जानकर भी क्यों इससे उलझ रहा है तू? ये मेरी प्रॉब्लम है, जा यहाँ से। मुंह उठा के चला आया। हेलो प्रभाकर, कोई दूसरा आदमी मुझे छेड़े तो तुझे गुस्सा आता है, इसका मतलब तू मुझसे प्यार करता है ना? देखो, मुझे तुमसे प्यार व्यार कुछ भी नहीं है, किसी लड़की के साथ ऐसा होगा तो मैं यही करने वाला हूँ, बात समझ में आई? हाँ समझ गई। तो खुद जब तक मुझे आई लव यू नहीं कहता, तब तक इसी तरह पब्लिक प्लेस में तुझे टॉर्चर करती रहूंगी, समझा क्या? चलती हूँ। अरे किधर फंस गया यार? रमा, लड़का सो गया है, तुम मेरे पास आ जाओ ना। हेलो स्वीटी डार्लिंग, हम दोनों के लिए मैंने दो टिकट बुक किया है, तो तुम अभी थोड़ी देर में सिनेमैक्स आ रही हो। सॉरी डियर, मुझे पढ़ाई करनी है, तभी तो मेरे भैया एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर मेरी शादी कराएंगे, तुम कोई दूसरी ढूंढ लो। ए, खोए हुए चांद, ये बहकी बातें करना बंद करो और सुनो, जल्दी से आ जाओ। ठीक है ठीक है, तुम मजबूर कर रहे हो इसलिए आ जाती हूं। ओहो, लेकिन इन चार पहलवानों का मैं क्या करूं, उनसे मैं कैसे बचूं? हेलो। ओए, कमिश्नर बोल रहा हूँ, ये श्वेता कॉलेज के अंदर गई है ना? हाँ, ठीक है, तुम दोनों जल्दी से कमिश्नर ऑफिस में पहुँचो। ओके सर। सर ने क्या कहा? सर ने अर्जेंट बुलाया है। सर, तुम लोग अचानक कैसे आ गए? सर आपने ही तो फोन किया था। मैंने तुम्हें फोन किया? सर आपने ही तो फोन करके कहा था कि कुछ अर्जेंट है, आ जाओ। हेलो। जी भैया। श्वेता कहाँ हो तुम? कॉलेज में हूँ भैया, क्या बात है भैया? भैया Come on, जल्दी निकल। ओ मैडम क्या हुआ, वेट मशीन आपको क्या बता रही है, वेट किया? हा? मैंने कॉइन डाला मगर कार्ड नहीं निकला। ओ मैडम, तुम्हारी ये लाइट वेट के लिए सिर्फ लाइट जलेगी, कार्ड नहीं आएगा। देखो बेटा, तुम जितने बार भी इस मशीन पर मारोगे एक कार्ड भी बाहर नहीं आएगा, ये मशीन एक महीने से खराब है। मगर नॉट वर्किंग का बोर्ड तो रखना चाहिए। अरे ना? बेटा, इस एरिया के गुंडों से सामना करने की हिम्मत किसमें है? वो लोग इस थिएटर के मैनेजर को डरा धमका के इस वेट मशीन को यहाँ रखते हैं, और रोज वो लोग 500-600 रुपए कमाते हैं।
अगली बार इस मशीन में पैसा डाल के धोखा मत खाना। नीचे उतरो। अब तुम क्या करोगे? पहले नीचे तो उतरो, मैं बताता हूँ तुम्हें क्वाइन को कैसे ढूंढ निकालना है। तूने इसको क्यों तोड़ा? आज के बाद कोई धोखे में नहीं रहेगा। तू बहुत बड़ा भाई है क्या? तेरे साथ लड़की इसलिए होशियारी कर रहा है क्या? लड़की नहीं होगी तो भी करूंगा मैं। अरे ये तो डेढ़ चाना बन रहा है, इसके हाथ से पैसे लो और तोड़ो साले को, तोड़ो। जाओ, मैं वो जाओ जाओ। सर, बीच में झगड़ा करने की वजह से जुहू पुलिस ने 75 एसीपी एक्ट से 3 बार अरेस्ट किया है। वार्ड कमिश्नर गायकवाड़ को मार के जख्मी किया। 341, 343 आईपीसी एक्ट के तहत वर्सोवा पुलिस ने 2 केस दर्ज किया है। रोज किसी अपराध में पुलिस स्टेशन जाने वाले एक गुंडे के साथ प्यार कर रही है तू। अब तक मेरे एनकाउंटर में क्रिमिनल मारे गए हैं, इस लिस्ट में तेरे प्रेमी का नाम नहीं आना चाहिए। आपका एक ही लड़का है, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ा तो आपकी चिता में आग देने वाला नहीं बचेगा। एनकाउंटर रवि चंद्रा आपके लड़के को शूट करके टेररिस्ट बनाकर फाइल क्लोज कर देगा। आज के बाद से उनकी बहन से ना मिले, यही समझाने आया हूँ मैं, समझा? कर जी, हाँ ओके, उस लड़की का नाम है श्वेता, वो मुझसे प्यार करती है। मैं भी तो उससे प्यार करे, ये हमें पसंद नहीं है। नो प्रॉब्लम, आपको जो पसंद हो मुझे बताइए, मैं उसी से प्यार करूंगा। प्रभाकर, हम सीरियसली बात कर रहे हैं। क्या डैडी, आप भी बाकी पेरेंट्स की तरह प्यार के दुश्मन हो गए? जो आया था उस पुलिस वाले ने आपको डराया क्या? डरिए मत, मैं सब देख लूंगा। उसका पीछा छोड़ दो, हमारी बात मान लो। अगर आपकी बात मानी तो मैं पागल होकर आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगा, ये चलेगा? अगर तू पागल हो गया तो संभाल लेंगे, मगर तुझे कुछ हो गया तो? प्यार करने वाले किसी से डरते नहीं है मॉम। आप जैसे लोग स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को सुन सकते हैं, मगर जज्बात को नहीं समझ सकते। देख प्रभाकर, या तो उसको भूल जा या फिर हम लोगों को भूल जा। मैं अगर कहूं कि आप डैडी को भूल जाइए तो आप भूल सकती हैं क्या? क्या रे, तू पागल जैसी बात कर रहा है। मैं पागल हूँ? आप हैं पागल, हमेशा पागलों के साथ रहते हैं। आप जैसे इंसान प्यार के बारे में क्या जानते हैं? तेरा पालन पोषण करने वाला पागल नहीं है, पागल तो तेरा बाप है। रमा, मम्मी ये क्या कर रही हो? डैडी, डैडी, माँ ने जो कहा क्या? सॉरी डैडी, सॉरी, मैं उस लड़की को भूल जाऊंगा डैडी, मैं भूल जाऊंगा उसे, मगर मैं आपका बेटा नहीं हूँ, ऐसा मत बोलिएगा डैडी, डैडी सॉरी, सॉरी डैडी। तेरी माँ ने जो कहा वो सच है बेटा, तू हमारा बेटा नहीं है, तेरे डैडी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है। इनकी एक्टिविटी सही नहीं थी इसलिए हमने शॉक ट्रीटमेंट दिया है, अभी सो रहे हैं। मैं चलता हूँ।
दिल्ली है, पर मेरी माँ कहाँ है? मैं और तेरी माँ मेडिकल कैंप खत्म करके घर की तरफ आ रहे थे। क्या हो गया भाई? लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है सर। क्यों रघु, आने से पहले चेक नहीं किया था क्या? क्या हो गया जी? कुछ गड़बड़ी बता रहा है। इनको बचाइए, कोई तो बचाए। रमा, तुम उनको संभालो। इनको बचाइए ना, देखिए ना। क्या हो गया इन्हें? उनको बचा लीजिए, बचा लीजिए। उनको कुछ नहीं होगा, कुछ भी कीजिए, बचा लीजिए मेरे पति को। कुछ लोग हमें मारने के लिए हमारे पीछे पड़े। आप चिंता मत कीजिए, उनको कुछ नहीं होगा। तेरे डैडी को तो हमने बचा लिया, मगर उनका दिमाग चला गया, वे पागल हो गए। उनके बारे में हमने पेपर में देने की बात सोची, मगर तेरी माँ ने कहा कि उनके बहुत सारे दुश्मन हैं, इसीलिए हमने पेपर में नहीं दिए। और हमें भी एक औलाद मिल गई, इसीलिए हम भी तुझे अपना बेटा समझकर पाल रहे थे। अगर तुझे तेरे डैडी के बारे में पता चलता तो तू हमसे दूर चला जाता, यही सोचकर हमने तुझे नहीं बताया। तेरे डैडी के पास से हमें और कुछ नहीं बल्कि ये मनी पर्स मिला, जिसमें ये बच्ची की तस्वीर है, देखो। परेशान मत हो प्रभाकर, तुम्हारे डैडी के ठीक होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि वो बच्चा कौन है। ये तेरा ही प्रॉब्लम नहीं, हम सबका प्रॉब्लम है। ए, तुझे इस हाल में देख के हमें भी बहुत दुख हो रहा है। मेरे डैडी की ऐसी हालत के लिए कौन जिम्मेदार होगा? हेलो, फोन उठाओ प्रभाकर, प्लीज मुझसे बात करो। कौन है बे तू? बड़ा विचित्र लग रहा है। मदर इंडिया, किसने धक्का मारा? ए मिस्टर तुगोजे। या व्हाट डू यू वांट? योर पासपोर्ट प्लीज। पासपोर्ट? कम ऑन, टेक इट। ये तो राशन कार्ड है। यस, मेरे जैसे बड़े आदमी के लिए यही है पासपोर्ट। अगर ये फेस और इस फोटो में अंतर है, रूप बदला है क्या? आने से पहले सही था, आने के बाद ऐसा हो गया। किधर है? मिल गए। आइए 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 आइए, वेलकम टू इंडिया दामाद जी, वेलकम। ओके ओके, वेलकम। ओके, क्या दामाद जी आप अकेले आए हैं? सुअर भीड़ जमा करके आता है, मगर शेर जब आता है अकेला आता है। ये क्या, नाक में लिपस्टिक लगा के रखा? ये लिपस्टिक नहीं है, पीछे से किसी ने धक्का मारा तो मेरी नाक में चोट लग गई, और ये कह रहा है मैंने रूप बदला। कौन बोला मेरे दामाद को रूप बदला? योगेश्वरी का दादा, अंधेरी का दादा, लोकन वाला का दादा, इन सबको अकेले हैंडल करने वाले मेरा दामाद, ये नराई है। सिर्फ ये बात नहीं, इंडिया में स्कूल हॉस्पिटल बनाने आए हैं, ये बनाकर बहुत लोगों को काम देने वाले हैं। ये बिजनेसमैन, सुपरमैन, पावरफुल मैन, सुपर फैंटास्टिक। इसके लिए इफेक्ट चाहिए। So sweet. Super Salman. Okay gentlemen, you can take your Russian passport. Thank you. ये हुई ना बात। अंकल, अभी तक अपना इंडिया बदला नहीं। तेरे देश जैसा नहीं है ये।
पॉलिटिक्स, रिश्वत, ब्लैक मनी सब इंडिया को पीछे कर रहा है। ओके, मैं आ गया हूँ ना, ब्लैक को व्हाइट कर दूंगा। वो कैसे? पेंट से। ये कौन है? ये आपका सेक्रेटरी। वेलकम सर। वो आपकी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी? म्युनिसिपैलिटी वाले लग रहे हैं। फॉलो मी। आपके फ्रेंड प्रभाकर के पिताजी के बारे में जानना मुश्किल है। यहाँ आने वाले हर कोई पेशेंट को किस कारण से आया है देखते ही पहचान लेता हूँ। देखो, ये प्यार में पागल हुआ है, प्यार प्यार करता रहेगा। जो डायरेक्टर बनने में नाकामयाब होते हैं वो एक्शन कट कहते रहते हैं, समझ गए? उसी तरह चंद्रमुखी फिल्म देख के आने वाला लका 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 बोलेगा। मगर ये आदमी किस वजह से पागल हुआ हम बता नहीं सकते। अरे हर रोज गेटअप चेंज करके आता है। एक दिन डॉक्टर बन जाएगा, किसी दिन कंपाउंडर बन जाता है, कभी लॉयर बन जाता है, मुझे उसका असिस्टेंट बनना पड़ता है। आज किस गेटअप में आएगा कौन जाने। परशुराम, एसपी परशुराम। सुरेंद्रपाल, तुम लेफ्ट से जाओ। कैप्टन प्रभाकर, तुम राइट से जाओ। मिस्टर चौधरी, तुम स्ट्रेट आ जाओ। ओवर। ए सियाराम, अभी मुझे पता चला है कि जयशंकर जेल से भाग गया है, उसको किसी तरह पकड़ के शूट करना है। जयशंकर को मरे कई साल हो गए, अब ये शूट करने को कह रहे हैं। वो देखो, वो गुंडा ऑटो से भाग रहा है, मेरे पीछे आओ। अरे रुको, रुक जाओ। अरे तुझे जयशंकर समझ कर शूट करने आ रहे हैं, जा तू जा यहाँ से। अरे जल्दी कर, मरना है क्या? तूने ऑटो को जाने क्यों दिया? उसको पता चल गया आप एसपी परशुराम हो। मेरी जीप निकालो। मैंने जयशंकर को नहीं पकड़ा तो मेरा नाम परशुराम नहीं। जीप निकालो मेरी। हे, आजकल प्रभाकर खोया खोया सा रहता है, वो किसी से बात तक नहीं करता। अरे भाई, तुम लोगों ने लवर से बात की कि नहीं? क्या यार, तू लवर की बात करता है, हम लोग को प्रभाकर की चिंता है। देखना वो कितना दुखी रहता है आजकल। ए प्रभाकर, प्रभाकर कहाँ जा रहा है? किसका फोन आया था? श्वेता ने। तो फिर बात क्यों नहीं किया यार? काफी पहले मेरे डैडी के साथ एक्चुअली क्या हुआ था, इसका पता लगाने तक मैं किसी से बात नहीं करूंगा। ओके 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 ओके, आज मेरे भाई एनटीआर का जन्मदिन है, आज मैं तुम सबको स्वीट खिलाऊंगा। तुम्हारे डैडी को बाहर लेकर जाना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। वो कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम ही जरा इस बारे में सोच लो कि उन्हें बाहर ले जाना चाहिए या नहीं। डैडी, उनका सारा जीवन हॉस्पिटल में रहकर बेकार चला गया, इसलिए मैं उनको बाहर घुमा कर लाऊंगा तो उनमें कुछ तो बदलाव आएगा। हाँ, ले लो ले लो ले लो ले लो। क्या बात है सर, आज आपका जन्मदिन है क्या? थैंक यू। मेरा जन्मदिन नहीं है, मेरे भाई का जन्मदिन है। आज दोपहर पर हमारे साथ खाने आ रहे हैं, उनका ख्याल तुमको ही रखना होगा, समझ गए? हाँ सर, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? एनटीआर को मरे कितने साल हो गए, आप कुछ भी बात करते हैं, ये सब पागल लोग आपकी बात मानेंगे क्या? क्या हो गया तुमको? मैं आपको अपनी परेशानी कैसे बताऊं? या मेरा तबादला करो या इस पागल को यहाँ से निकालो। आज मेरे भाई एनटीआर का जन्मदिन है, स्वीट लो, स्वीट लो। एनटीआर खाने पर आ रहे हैं कह रहा है। एनटीआर को मरे कितने साल हो गए, एनटीआर को याद करके लोग उनकी फोटो की पूजा करते हैं, एनटीआर के जन्मदिन को अपना जन्मदिन समझकर मनाते हैं, और ये कह रहा है कि आज उनका जन्मदिन है, और ऊपर से कह रहा है कि एनटीआर खाने पे आ रहे हैं। ये जो कह रहा है वो सही है भाई। हां सही है, एनटीआर का जन्मदिन है, मनाने दो। एनटीआर भैया आज खाने पे आ रहे हैं। प्रभाकर कहाँ है? दो दिन हो गए उसने मुझसे बात नहीं की है। कहाँ है वो? अपने डैडी के साथ हॉस्पिटल गया है। ठीक है, मैं आती हूँ। श्वेता, 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 हॉस्पिटल जल्दी आओ, प्रभाकर बाहर जा रहा है। सुनिए, ये श्वेता कहाँ चली गई? थोड़ा लो ना डैडी, प्लीज थोड़ा सा ले लो। एमटीआर भैया आने वाले, मैं उन्हीं के साथ ही खाना खाऊंगा। झांसी की रानी, नमस्कार, आपका घोड़ा कहाँ है? मैं फोन करूंगा तो आ जाएंगे, उन्होंने मुझे फोन करके बताया। फोन किया था? हाँ, उनके साथ महात्मा गांधी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, मधुबाला सब आ रहे हैं, सब लाइन से आ रहे हैं। मीना कुमारी, इनसे पूछो। थोड़ा खा लो ना डैडी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया पर मेरा फोन नहीं उठाते हो, और यहाँ पर बैठकर इस पागल के साथ बातें कर रहे हो। मुझसे ज्यादा तुम्हें ये पागल प्यारा है क्या? देखो बेटी, तुम जिसे पराया कह रही हो पराया नहीं है। अब तक प्रभाकर डॉक्टर साहब को अपना डैडी समझता था, पर वो उनके डैडी नहीं है, प्रभाकर के डैडी ये हैं। थोड़ा ले लो ना डैडी, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा थोड़ा सा। आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि ये तुम्हारे डैडी हैं। मुझसे गलती। मैडम चलिए यहाँ से। मैडम हमारे साथ चलिए, साहब बहुत नाराज हैं, थोड़ा चलिए। हेलो, हॉस्पिटल में आकर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? हेलो हेलो, मेरे डैडी पर हाथ उठाता है।
मैंने आपकी बहन से प्यार किया, ये सच है। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त आपकी बहन को मंगलसूत्र पहना सकता हूं, मगर मेरे लिए आपकी बहन उसका प्यार महत्वपूर्ण नहीं है। 20 साल के बाद मुझे मेरे पिता मिले, अभी उनका दिमाग संतुलित नहीं है। अभी सिर्फ मुझे डैडी को देखना है। मेरे डैडी के ठीक होने तक वही मेरे लिए सब कुछ है, ना कि प्यार, शादी, परिवार और दुनिया। अगर आप अपनी बहन की शादी करवाना चाहते हैं तो शौक से कराइए। मुझे जन्म देने वाले पिता के लिए मैं अपने प्यार को कुर्बान कर सकता हूं। आज के बाद मुझे अपने आदमियों से डराना धमकाना बंद कर दीजिए, समझ गए ना आप? आई एम सॉरी। सावधान रहना प्रभाकर, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे फोन करना। ए, मैं तुम्हारे भरोसे पर भेजता हूँ, साथ में रहना। ठीक है साहब। आजकल के बच्चे अपने अच्छे भले माँ बाप का भी ख्याल नहीं रखते, और एक तू है कि अपने पागल बाप के लिए प्यार को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। ग्रेट, चलो यहां से। चलिए ना, आइए, बैठ जाइए। पर आराम से बैठ जाइए। सुनो राजू, बोलिए। बाल बिल्कुल भी नहीं काटने। काटने हैं? बिल्कुल नहीं काटने। नहीं काटने, नहीं काटने, नहीं काटने। काटने, काटने, काटो। ये क्यों खड़ी है? इसको भी लगाओ। भागो यहाँ से! अरे भागो! डैडी, 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 रुकिए, रुकिए, डैडी! उस लड़की को आपने किधर देखा? देखा था बहुत पहले मंदिर में। मंदिर में देखा तो उन्होंने शादी किया? अमेरिका नहीं, इंडिया है। पुअर फेलो, सब लोग घर में लड़की देख के मंदिर में शादी करते हैं। मैं मंदिर में लड़की देख के घर में शादी करूंगा, समझे? या कम ऑन, दबाओ, घंटी बजाओ। कौन है यार तू? गोजी कौन हो तुम? मेरी बेटी को चुम्मा दे रहे हो? एक्सप्लेन। अमेरिका में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते, करोड़ों कमाने वाले, इंडिया में डेवलप करने आए हैं। ये बहुत बड़े आदमी हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मेरी बेटी और इनका कलर बराबर मैच नहीं होता। क्यों माँ, मुझे काला क्यों पैदा किया? ओके, तू टिंगू है, तेरी बीवी लंबी है। ये मैं कुछ नहीं जानता, मेरी बेटी से शादी करने के लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? प्यार के लिए मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, टेल मी। तुम्हारा रंग बदलना पड़ेगा। रंग बदलना पड़ेगा? ये तो ऊपर वाले से पूछना पड़ेगा। मैं बदल दूंगा। वो कैसे? आओ चलो। अब क्या करूं ये तो बताओ। ये शरीर में डालोगे तो कलर बदल जाएगा, आँख में डालोगे तो आँख भी बदल जाएगा। उसको अकेले अंदर लेके गया, क्या कर रहा है पता नहीं। तुमसे नहीं पूछा? मैं इसको केरला से मंगाया, इसको बॉडी में मसाज करने का। मैं कैसे लगाता हूँ? बॉडी में मसाज, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर 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 नीचे नीचे ऐसे। वाह, तुम्हारा कलर बदल जाएगा। सर,
बढ़िया आवाज के केरला का आइटम है। लगता है दोनों की जोड़ी चमक अब तो बदल ही जाएगा। और नहीं बदलेगा तो हम तो बदल ही डालेंगे। व्हाट इज दिस? देखो बदलना शुरू हो गया है। अब देखो बदल रहा है, मालूम पड़ा बदल रहा है ना? हाँ, देखो कलर बदल रहा है। लगता है उन्होंने किस दे दिया, कमाल का तेल खत्म। क्यों आज टी शर्ट पहन के बहुत हैंडसम दिख रहे हो, क्या बात है? वो कुछ नहीं है, मैं 10 साल से लड़कियां ढूंढ रहा हूँ, सिर्फ बातें ही होती है। जैसे ही पता चलता मैं यहाँ काम करता हूँ मना कर देते। आज डॉक्टर साहब ने लड़की दिखा के मंगनी कराने का वादा किया है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ आपके साथ। अरे तुम लोग भी बोलो ना। आएंगे आप सब लोग, आएंगे और आप भी आएंगे। आ रही हूँ। लड़की को चाय लाने के लिए कहिए। पागल है क्या? लड़की देखने आते हैं तो चाय नहीं पीते हैं, कॉफी पीते हैं। ले आएंगे, टेंशन मत। भैया जी दामाद से तो दामाद का बड़ा भाई ज्ञानी लगता है। हे भगवान, ये लड़की मुझे मिल जाए तो? क्यों, लड़की पसंद है ना? मुझे तो हीरोइन लगती है, मिल जाए तो लाइफ बन जाए यार। जो पूछ रहे हैं वो बता। पसंद नहीं है लड़की? मुझे पसंद है। फिर देर किस बात की, सगाई कर देते हैं। लेकिन इसको पसंद नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? ये लफड़ा करेगा ना? नहीं 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 नहीं। आप पसंद है? हाँ। तुझे गाना आता है? नहीं। हाँ कह रही है? हाँ। बच गए। डांस करना आता है? नहीं आता है। आता है? डॉक्टर साहब सवाल बहुत हो गए, आप शगुन दीजिए ना। हाँ ठीक है। हाँ ठीक। मुझे एक डाउट है। मर गया बेटा। शादी के बाद ये लड़की तेरी कौन होगी? बीवी होगी। बीवी होगी? मेरे रूम में सफाई करने वाली के साथ जब तुझे पकड़ा था तो तूने कहा था मेरी बीवी है। मुझे इंजेक्शन देने वाली नर्स के साथ पकड़ा था तब भी तूने कहा था कि मेरी बीवी है। सिग्नल पे जब एक लड़की के साथ तुझे पकड़ा और पूछा कि ये कौन है तब भी तूने कहा था कि मेरी बीवी है। ये बता पागल आदमी, ये तेरी चौथी बीवी है क्या? अरे रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं? हाथ से मारेंगे तो चोट नहीं लगेगी, इस नारियल से मारिए। मेरे पास 100 रुपये ही हैं, एडजस्ट कीजिए सर। अरे अंकल, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं चलेगा। और 100 रुपये दो, ऑटो में इतने बच्चों को ले जाना जुर्म है। पैसा नहीं दिया तो अंदर कर दूंगा। रिश्वत लेना गलत है ना? तुम्हारे डैडी सिग्नल पर खड़े ट्रैफिक हवलदार से झगड़ा क्यों कर रहे हैं? लगता है मेरे डैडी ट्रैफिक में थे। आप कौन? मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर जल्दी आओ। अरे ड्यूटी पे पुलिस वाले पे हाथ उठाता है, ए हवलदार इधर आओ, पकड़ो इसे। क्या बोला? मेंटल पेशेंट है तो उसे यहाँ सड़क पे क्यों छोड़ा हुआ है? उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ ना। ये 100 रुपये, 100 रुपये ये लीजिए, चलो जल्दी भागो यहाँ से। लगता है मेरे डैडी रेस्टोरेंट के मालिक थे। रेस्टोरेंट के मालिक होंगे या रेस्टोरेंट में काम करने वाले होंगे। ए, लगता है कोई चेकिंग ऑफिसर आया, जाके मैनेजर को बताते हैं। उधर देखो, बढ़िया, मेरे डैडी खाने की चीजें चेक कर रहे हैं। लगता है वो हेल्थ इंस्पेक्टर थे। खाना बनाने वाला भी अपनी बनाई हर चीजों को चक के देखता है। इसमें तुमने क्या डाला है? नारियल सर। नारियल? हाँ। इसमें नमक कम है। सर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कम है। अरे सर क्या कर रहे हैं? अरे सर आप क्या कर रहे हैं? मैनेजर को बुलाओ, जल्दी जाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी जाओ, मैनेजर को बुलाओ, जल्दी यहाँ से। आज देश में लोगों को नेता के ऊपर विश्वास नहीं है। इस देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी और हमें आजादी दिलवाई। गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन महान लोगों को आज हम भूल चुके हैं। आज आने में देर हो गई, सीएम लगते हैं। लेकिन आज कल तो पार्टियां कुकुर मुद्दे की तरह पैदा हो रही है। ये सारी पार्टियां देश के लिए नहीं बल्कि अपनी जेब भरने के लिए पैदा हो रही है। उनके अंदर देशभक्ति नहीं रह गई है, अन्याय बढ़ रहा है। ये सब देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है। आज हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हमें आगे बढ़कर कुछ करना होगा। इस देश को बचाने के लिए हमें नमस्कार। नमस्कार। मैं नहीं जानता कि आप लोग कौन हैं, मगर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। हमारे महान नेताओं ने अंग्रेजों से लड़कर आजादी दिलाई, मगर हमें उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अरे देखा कितना अच्छा स्पीच दे रहे हैं। मुझे तो लगता है ये फ्रीडम फाइटर रहे होंगे। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है,
आप लोग स्वतंत्रता सेनानियों के लिए खादी ड्रेस पहनकर आए हैं। सब लोगों की देशभक्ति के सामने मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ। आज के बाद मैं कभी विदेशी कपड़ा नहीं पहनूंगा, ये आपसे वादा करता हूँ। देखो तुम्हारे डैडी क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना चश्मा उतारता हूँ, इसके बाद मैं अपना कोट उतारूंगा। कोट भी विदेशी कपड़ा है ना? इस पैंट को भी उतार देना चाहिए क्योंकि ये भी विदेशी है। ये पैंट क्यों उतार रहे हैं? चलो चलो, ये पैंट क्यों उतार रहे हैं? हेलो, कहाँ हो तुम लोग? अरे सर, मैं आपको क्या बताऊँ, विदेशी वस्त्रों का त्याग करना चाहिए कहकर स्टेज पर ही कपड़े उतार रहे हैं। हाँ अभी आए सर। प्रभा, ये क्या कर रहे हो? प्रभा, नहीं डैडी, ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, डैडी को तकलीफ देने वाला कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। इतने सालों से मेरी नजरों के पीछे जो ट्रीटमेंट हुआ, बस तुम मेरी बात तो सुनो। नहीं चाहिए। मेरी आंखों के सामने ट्रीटमेंट के नाम पर दुख देने वाली तकलीफ देखकर मैं नहीं सह पाऊंगा डैडी। ये देखकर मेरा दिल दुखता है डैडी। जितने साल इन्होंने दुख झेला वो बहुत है डैडी, वो बहुत है। मेरे ख्याल से प्रभात के डैडी को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना चाहिए। जो लोग भी एलोपैथी के ट्रीटमेंट से सही नहीं होते हैं, वो आयुर्वेद से सही हो जाते हैं। मेरी नजर में केरला के त्रिचूर में एक गांव है जहां मानसिक चिकित्सा होती है, वो भी आयुर्वेदिक तरीके से। एक्स पीएम वाजपेयी, हीरो रजनीकांत जैसे बड़े बड़े लोग वहां जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं। और एक बात, मेरे एक सीनियर ऑफिसर का एक्सीडेंट हो गया था और वो अपने होश खो बैठे थे। 12 साल तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट चला लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तब मैं उनको लेकर केरला में गया और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाया। 6 महीने के अंदर ही वो सही हो गए। मैं एलोपैथी को कम नहीं समझता हूँ, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? अब ज्यादा मत सोचिए, हम अपने बेटे के लिए एक बार कोशिश कर लेते हैं। चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। सब आपकी अच्छाई के लिए कह रहे हैं, आपको जाना चाहिए। कहना नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ये नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा, नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। आप नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगा। चलो ट्रेन पकड़ते हैं। क्या एक्टिंग कर रहे हैं यार, कमाल है। चिंता मत कीजिए, मैं दवा दे रही हूँ। इधर दो। लगता है गहरा सदमा पहुंचा है। वो भी दो। तुम उस पेशेंट को देखो, मैं अभी आता हूँ सर। बहुत गहरा सदमा। बैदी, अब कैसी है उनकी तबीयत? उनके सर पर चोट लगी थी जिसकी वजह से 20 साल से दिमाग की नसें प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, इसलिए नस को काम करने के लायक बनाने के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इस ट्रीटमेंट से उनकी याददाश्त आ जाएगी? हाँ, आ जाएगी। आंवला का तेल, नम खिली, पुड खिली, तिलक खिली, सिर तारा, खड़ावस्ती, सिरोवस्ती, ये सब 4 महीने तक प्रयोग करना पड़ेगा। आप लोगों को इनके साथ 4 महीने साथ में रहना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? हमें कोई तकलीफ नहीं है, इलाज होने तक हम यहीं पर रहेंगे। बस उनकी याददाश्त वापस आ जानी चाहिए। सब कुछ सही हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। हे ईश्वर, हे प्रभु। प्रभाकर, तुम लोग यहीं रुककर ट्रीटमेंट कराओ। ठीक, जरूरत पड़ेगी तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। सामने से हटो। सर,
सर 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 नमस्कार सर, नमस्कार सर, सर सर मैं हूँ सर, आप मुझे भूल गए सर, मैं नटराज हूँ सर, नमस्कार सर, सर सर मैं नटराज हूँ, आपका सेक्रेटरी ऑफिसर सर, सर मैडम कैसे है सर, आपका बच्चा कैसे है सर, डैडी उधर क्या कर रहे हैं सर, आपको क्या हो गया सर, सर आपका ऐसा हाल कैसे हो गया सर, सर सर मुझे याद कीजिए सर, सर मैं हूँ सर, आपका सेक्रेटरी सर, सर सर मैं नटराज हूँ सर, आप सर क्यों पर मेरी बात सुनिए सर, सर सर क्या आपका सेक्रेटरी हूँ सर, सर मुझे पहचानिए सर, सर इनके इनके बारे में क्या जानते हैं मुझे बताइए, क्या आप इनके बारे में जानते हैं? जानता हूँ। आप जानते हैं ये कौन थे क्या थे बताइए ना। बताइए सर मेरे डैडी कौन है बताइए ना सर। कौन है? वेलकम सर, आइए सर प्लीज कम। क्या पुरुषोत्तम सीएम क्या कह रहे हैं? आने वाले इलेक्शन में हमारा जीतना जरूरी है वरना सीएम रिजाइन दे देंगे ऐसा सेक्रेटरी कह रहा है क्योंकि इस इलेक्शन में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया कुछ भी हो सकता है सर इस इलेक्शन में इनको टिकट दे दीजिए जरूर जीत के दिखाएंगे हाँ सर मुझे खड़ा कीजिए मैं कैसे भी जीतूंगा सर राजनीति के बारे में क्या जानते हो मैं सब जानता हूँ 30 पिक पॉकेट कैसे 5 रेप कैसे दूसरों का जमीन हड़पना सारे केस मेरे ऊपर है सर ये सब राजनीति के लिए जरूरी है क्या तुम चुपचाप बैठ जाओ साहब जानते नहीं है क्या कि किसको कहां से टिकट देना है मुझे सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस इलेक्शन में वसुवा से पुरुषोत्तम को सीट देता हूँ मैं आपका शुक्रिया इनका इलेक्शन का सारा खर्चा मैं दूंगा सीएम को बता दो अभी समझे कि नहीं समझे हमारे साहब चाहते हैं सीएम अपनी इज्जत पर ध्यान देकर अपनी सीट पर बैठकर अपना काम संभाले हमारे साहब अपनी सीट पर बैठकर सारा काम संभालते हैं देख पुरुषोत्तम यह हमारा पार्टी से जुड़ा हुआ विषय है राजनीति में पद की जरूरत है और कुछ नहीं पद के बिना राजनीति नहीं होती पद ही हमारी कवच है पद के बिना हम जी नहीं सकते बिहार में जो इलेक्शन हुआ था उसमें आपको धमकाने के लिए बहुत फोन आए थे इसीलिए आपका नाम है सर ये सच है क्या सर मैंने तो खाली अपना काम किया है और जो भी काम करेगा उसका नाम तो होगा ये तो मेरा फर्ज था The rules which you have followed in Bihar, are you going to follow here also? Definitely. भारतीय संविधान की धारा 324 के सेक्शन 16 के हिसाब से प्रजा प्रतिनिधियों के लिए धारा 13 के हिसाब से इलेक्शन कमीशन के नियमों के खिलाफ कोई भी आदमी नहीं जा सकता देश के हित के लिए इलेक्शन कमीशन का साथ देना होगा ये हम सबका फर्ज है अभी आया हुआ इलेक्शन कमिश्नर बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस परिस्थिति में इलेक्शन जितना जरूरी है इलेक्शन नोटिफिकेशन के नियमों के हिसाब से सरकारी विभाग की संस्थाओं की उद्योगों की भर्ती नहीं हो सकती सेक्शन 14 के हिसाब से पत्रिकाओं में रेडियो में टीवी चैनल्स में पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए सरकारी वाहनों का उद्योगों का सरकारी पार्टी को इलेक्शन में उपयोग नहीं करना चाहिए राज तो हमारा है यहाँ पे चुपचाप सुनने के लिए क्या इस स्टेट को बिहार समझता है क्या राज्य में राज करने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है मगर पैसा जरूर चाहिए इलेक्शन कमीशन की परमिशन के बिना दीवारों पर लिखना और पोस्टर लगाना मना है रात को 10 बजे के बाद पार्टी का प्रचार भी नहीं कर सकते नॉमिनेशन दाखिल करते समय नॉमिनी का सारा डिटेल और जायदाद का विवरण इलेक्शन कमीशन के सामने साफ साफ पेश करना पड़ेगा कौन है वो आदमी कौन से गाँव से आया इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानता है क्या इस इलेक्शन में वो अपनी ताकत दिखाकर खुद को हीरो बनाना चाहता है नॉमिनेशन दाखिल करने वाले नॉमिनी को 3 से ज्यादा गाड़ियों की अनुमति नहीं है हमारे शहर में जितनी गाड़ियां हैं सब बुक करो 5000 गाड़ी लेकर नॉमिनेशन के लिए जाएंगे हमारी पार्टी का एक अलग इमेज है वो क्या करेगा मैं देखता हूँ कौन ब्लॉक कर रहा है
देखो कौन है सामने, चलो बाहर देखो कौन लोग तो सीधे जाम किया है। क्यों सर, आपने हमारी गाड़ी क्यों रोकी? नॉमिनेशन के लिए नॉमिनी को सिर्फ 3 गाड़ी की अनुमति है, बाकी गाड़ी वापस करो। हमारी पार्टी की राज में तुम हमारे ऊपर राज करोगे? गाड़ी में मंत्री जी हैं। मंत्री जी नियम नहीं जानते, गाड़ियां वापस ले जाओ। नमस्कार सर। नमस्ते। हमारी गाड़ी को बीच में क्यों रोक दिए? आप तो मंत्री जी हैं, आप तो कानून अच्छी तरह जानते होंगे। नॉमिनेशन करने वाले नॉमिनी को 3 से ज्यादा गाड़ियों की अनुमति नहीं है। हाँ जी सर, हम रूलिंग पार्टी के हैं, हम अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तो पार्टी किस काम की? जिस नेता को जनता प्यार करती हो उसे दिखावा करने की क्या जरूरत है बताइए? ज्यादा उछल रहे। इलेक्शन कमिश्नर के पास जो पावर होते हैं मैं उन्हें कभी पार नहीं करूंगा। इलेक्शन के काम के लिए गवर्नमेंट व्हीकल को यूज करना गलत है। अगर आप नियम तोड़ेंगे तो सारी गाड़ियों को सील करके आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, आपको अगर अपनी गाड़ियों से प्यार है तो चुपचाप पीछे हट जाइए, वरना आगे बढ़िए। तीन गाड़ियों के बाद सबको सील कर लेना, कोई झगड़ा करे तो अरेस्ट कर लेना, और अगर मिनिस्टर भी बीच में बोले तो अरेस्ट कर लेना। सर, आपकी सेवा करने के लिए, आप लोगों की जिंदगी में रोशनी लाने के लिए हम अपने प्रिय नेता को 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए आइए। मुझे खुशी हो रही है आप लोगों को देखकर। धन्यवाद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लक्ष्मण नारायण, वो अपनी ताकत का बिल्कुल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो सही निर्णय लेंगे तो हम सब उनको इज्जत देंगे। अगर वो हमारी पार्टी के अगेंस्ट में होगा तो हमारी पार्टी उसका साथ बिल्कुल नहीं देगी। हम सब उसका सामना करेंगे। मैं आप सबको वचन देता हूँ और मैं ये वचन निभा के रहूंगा। मैं राजनीति में आने से पहले सभी गांव में रोड बनाने की कसम खाई थी। अब रोड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर बीच में टांग अड़ा रहा हूँ। लक्ष्मण, पानी, पीने का पानी, मैं हर गांव में वाटर टैंक बनाकर मदद करना चाहता हूँ लोगों की, मगर वो काम भी उसने नहीं करने दिया। इस चुनाव को जीतने के बाद जिस गांव में बिजली नहीं है हम वहाँ बिजली देंगे। देखिए, हम आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो लक्ष्मण नारायण कुछ नहीं करने देता। उस इलेक्शन कमिश्नर का सामना करने के लिए आपका अपना कैंडिडेट पुरुषोत्तम को अपना वोट देकर जिताइए। अभी इस इलेक्शन में ज्यादा वोट देकर पुरुषोत्तम को जिताकर लक्ष्मी नारायण को शर्मिंदा करना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, मैं इस भरी सभा में एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप हमारे कैंडिडेट पुरुषोत्तम को भारी मतों से जिताते हैं तो मैं इस देश से महंगाई खत्म कर दूंगा। मुझे आप सभी पर पूरा भरोसा है कि आप हमारे कैंडिडेट को जिताएंगे। भारी मतों से इस बार हमारा कैंडिडेट पुरुषोत्तम जरूर जीतेगा और उन लोगों की जमानत जब्त होगी। बिजली काटने वाले कमिश्नर की जिंदगी बिजली आने से पहले खत्म होनी चाहिए। 10 बज चुके हैं सर, लाइट काट दो। यस सर। वही है सर, ये सब इलेक्शन कमिश्नर का काम है सर। लगता है अब उस इलेक्शन कमिश्नर को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। जल्दी क्या है, इलेक्शन की बात करेंगे सर। उसने सिर्फ करंट ही ऑफ नहीं किया बल्कि मंत्री जी की बेइज्जती की है। अपोजिशन पार्टी वाले बहुत स्ट्रांग है, हमें कुछ ना कुछ करके इलेक्शन कमिश्नर को रास्ते से हटाना पड़ेगा सर। बच्चा बहुत सुंदर है ना? ये क्या कर रहे हैं आप? लड़के की मूंछ होती है क्या? मैंने कहा ना लड़का होगा और लड़के की मूंछ होती है। क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग? तुमको लड़का चाहिए और इसको लड़की चाहिए, बस इतना ही है ना। लड़का लड़की एक साथ पैदा कर लो, मामला खत्म। आइए सर। क्या नटराज, तबीयत कैसी है सर? क्यों मुझ बढ़ा के रखा है सर? मैंने ठीक है, गाड़ी के अंदर फल है उसको लेकर आ, तुमसे बात करने का समय नहीं है। ओ, आप कैसे हैं? हर पेपर में आप ही का फोटो छपा है, मुझे आशीर्वाद दो। क्या कर रहे हो बेटा? मैं अभी तक खाना नहीं खाया, आप और बहू मिल के मुर्गी बनाइए, आज इधर ही खाऊंगा। तब तक मैं साहब से बात करता हूँ, रामराज मंत्री ने आपसे मिलने को कहा। क्या क्या सोच रहे हैं साहब? उनसे कहो मैं अभी आता। लक्ष्मण नारायण जी, इन्होंने आपको सब बताया होगा, होने वाले इलेक्शन में मेरी पार्टी हार गई तो मेरी राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगी। कल होने वाले इलेक्शन में हमारी पार्टी को जीतने के लिए ब्लैक वोट की जरूरत है। ऑलरेडी जिन लोगों को मैं लाया था, आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उनको अरेस्ट कर चुके हैं, उनको आप बाहर लेकर आइए। मेरे लिए आपको यह काम करना होगा। सॉरी सर, इलेक्शन खत्म होने तक वो लोग बंद रहेंगे। आप बोगस वोट देने के लिए लोगों को बाहर से लाते हैं, ये देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। चलो मानता हूं, इसमें 2 करोड़ है,
और खंडाला में एक बंगला का पेपर भी है। हाँ लीजिए। ये सेंसेशनल न्यूज राजनीति करने वालों के लिए सबक होनी चाहिए। राजनीति में लोग पैसा देते वक्त अपनी फोटो खिंचवाते हैं, ये सब तो आम बात है, मामूली बात है। जैसे पुराने पेपर को पढ़ के फेंकते हैं वैसा ही सोच लीजिए। होने वाले इलेक्शन में हमारी इज्जत का सवाल है, हमें अपने कैंडिडेट को जिताना ही होगा। वो सपोर्ट में रहेगा तो हमारा काम नहीं होगा, उसके लिए क्या करना है आप सोच लीजिए। भीमा गैस खत्म हो गया है, सिलेंडर मंगवा लो। ठीक है मैम। सुनिए जी, खाना तैयार है। भीमा गैस खत्म हो गया है, गैस खत्म हो गया है। दिन से न जाने कितने परेशान थे गैस के लिए, जा अंदर जाके रख दे। ये लीजिए मैडम। सर सर क्या है? कम ऑन सर। जी सर देता हूँ सर। सर आपके लिए फोन। हेलो चीफ इलेक्शन ऑफिसर लक्ष्मण नारायण, मुझे लगता है कि तुम अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से कर रहे हो। ये लीजिए। ए क्या सोच रहे हो? भगवान से झगड़ा कर सकता है मगर इस रामराज से नहीं। ड्यूटी पे ध्यान देते हो, फैमिली पे ध्यान नहीं देते। तुम सीधा अपने घर चले जाना और जाते समय रास्ते से दो कफन साथ ले जाना, उधर तेरी औरत और माँ। बूम। नहीं, ये तू क्या बोल रहा है? काशी में जाकर औरत और माँ की अस्थि को बहा दो। इसमें मेरी माँ की क्या गलती है, इसमें मेरी बीवी की क्या गलती है, बता बता ना बता। मैंने कहा था ना मैं छोटी मोटी धमकियों से नहीं डरता। तू तो सिर्फ एक ही स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर है, मैंने तो पूरे इंडिया में न जाने कितने इलेक्शन करवाए हैं। तू जितना खतरनाक आदमी है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आसाम में, उड़ीसा में, पंजाब में, बिहार में, तुझसे भी बड़े धुरंधरों का सामना किया है मैंने। उन लोगों से कंपेयर करूँ तो तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। चलो छोड़ो, मेरे बायोडाटा के बारे में जानकर क्या करोगे? मेरी मरी हुई बीवी और माँ से बात करोगे? मिनिस्टर, तू पांचवी क्लास पढ़ा हुआ, अगर तुझे इतना दिमाग है तो आईपीएस पढ़े हुए मेरे पति को कितना दिमाग होगा? अगर तेरे बम से मैं मर गई, तो मेरी डेड बॉडी देखने के लिए ड्यूटी खत्म होने के बाद ही आएंगे, ऐसा समझ रखा है क्या तूने? हाँ अरे अकलमंद पागल, तू मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेवकूफ है तू, बेवकूफ। चल फोन रख। शुरू हो चुकी है। श्यामला देवी सबसे ज्यादा अपोजिशन वाले 300 लीडिंग में हैं। अभी वोट की अब हम गए काम से, लगता है हम हार जाएंगे। अपोजिशन वाले जीत रहे हैं। 10,000 वोट ज्यादा लेकर ये चुनाव जीत चुकी है। आइए हम सब मिलकर उन्हें बधाई दें। आपके लिए शुभकामनाएं। Oh,
गलती से चुनाव हारूंगा तो शहर में साड़ी पहनकर हर गली में घूमूंगा। साड़ी पहनकर, साड़ी पहनकर घूमूंगा, साड़ी पहनकर हर गली में घूमूंगा, साड़ी पहनकर हर गली में घूमूंगा मैं, साड़ी पहनकर घूमूंगा, साड़ी पहनकर घूमूंगा मैं साड़ी पहनकर हर गली में घूमूंगा। सुनिए जी, सुनिए जी, सुनिए जी, मेरी बात मानिए, मेरी बात मानिए जी। मीटिंग में आपने एक बात रखी थी, इसके लिए साड़ी पहन कर कैसे जा सकते हैं आप? सुनिए जी, ऐसा मत कीजिए। देखिए जी, देखिए, आपने मीटिंग में बात रखी थी तो इसके लिए ये सजा क्यों? देखिए जी, आपको इस हालत में देखकर मैं जी कर क्या करूंगी? मेरी बात सुनिए, रुक जाइए, मत जाइए, ऐसा मत कीजिए। सुनिए जी, मेरी बात तो सुनिए, ऐसा मत कीजिए, मत जाइए। बीमा, बीमा क्या देख रहे हो, जाकर रोको उन्हें। साड़ी पहनकर घूम रहा है, पागल हो गया है क्या? मंत्री जी, उसकी माँ इस वक्त अकेली है। मार के साड़ी पहनने से पहले उसको और उसकी वाइफ को खत्म कर दो। और बोलती है कि खत्म कर देते हैं। क्या हुआ सर, क्या हुआ? तुम बचो तो सर। क्या बात? हम यहाँ से जल्दी जाना होगा सर, जल्दी चलिए सर। पर हुआ क्या? रूलिंग पार्टी वाले हारने का कारण आपको मानकर रामराज ने आपको मारने के लिए आदमी भेजा है सर। पुलिस है ना, डरते क्यों हो? गवर्नमेंट ड्यूटी है, पुलिस क्या कर सकती है? मैडम सर को आप ही समझाइए ना। लेकिन माँ तो मंदिर माँ की चिंता आप लोग मत कीजिए, आप निकलने की तैयारी कीजिए सर। उनसे डर कर हम शहर छोड़ दें क्या? सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मानिए। मैडम आप ही समझाइए, मैडम प्लीज समझाइए। सुनिए जी, ये जिद कर रहे हैं तो सुन लीजिए ना। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे उसके लिए नहीं तो मैडम को हॉस्पिटल ले जाने के लिए सर, जल्दी जाइए सर, गाड़ी लाओ। चलो सर, माँ को मार दिया सर, आपको बताता तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए नहीं बताया सर। Oh!
टकराएगा तो यही अंजाम होगा ना। मेरे डैडी को इस हाल तक पहुंचाने वाले कहां हैं? प्लीज सर मुझे बताइए। नहीं प्रभाकर, अभी नहीं। पहले हम तुम्हारे डैडी के ठीक होने का इंतजार करेंगे, फिर। हाँ बेटा, इनकी बात सही है। केरला की रहने वाली है। मैं इनको बताना भूल गया था कि साड़ी मत पहनो, वो गलती मेरी है। एक बात ध्यान से सुन, बड़े मालिक को साड़ी से एलर्जी है। इतने साल तक उन्होंने अपनी पत्नी को अपने आँखों के सामने ना आ जाए इसलिए रूम में बंद करके रखा है। तू भूलकर भी आज के बाद उनके सामने मत आना, समझ गई ना? अरे क्या समझ गई, आपको मेरी परेशानी समझ में नहीं आ रही है। 20 सालों से एक दिन भी अपने माँ बाप को खुश देखने के लिए तरस गया हूँ मैं। माँ बाप का प्यार क्या होता है मुझे पता ही नहीं। इसका कारण है वो इलेक्शन कमिश्नर, अगर वो जिंदा होता तो मैं उसकी। सर मैं आपसे कहने वाली थी आपके पिताजी के बारे में कि केरला में इसी तरह की बीमारी का इलाज करने वाला एक बहुत बड़ा चिकित्सालय है सर, अगर एक बार वहाँ ले जाएंगे इनको तो शायद ठीक हो जाएंगे। ट्रीटमेंट हमें भी पता है, जाए यहाँ से। आप उसकी बात तो सुनिए मैडम जी, हमने मालिक का बहुत ट्रीटमेंट करवाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ये लड़की कह रही है केरला में आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, वहाँ ठीक हो जाएंगे अगर आप कहें तो। बेटा मैं तुम्हारी डैडी को सही सलामत देखना चाहती हूँ। बीमा के कहने के मुताबिक केरला में एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, वहाँ ले जाओ। मरते समय मैं तुम्हारे डैडी को अच्छा होते हुए देखना चाहती हूँ ताकि मेरी मौत पर लोग आंसू तो बहाएं। ए, ये फोटो क्यों देखते रहते हो? श्वेता मेरी किस्मत में शायद माँ बाप का प्यार लिखा ही नहीं था, मम्मी की किस्मत में ये तस्वीर नहीं और मेरी किस्मत में मम्मी नहीं। कम से कम तुम्हारे डैडी तो साथ में हैं। मैं अनलकी फेलो हूँ श्वेता, जब मैं पैदा हुआ तो माँ दुनिया से चल बसी, इतने सालों बाद
पिताजी को पाया तो भी इस हाल में। ये लो, ये तुम लो, ये तुम लो, ये तुम लो, और ये तुम। दोबारा इनके सामने मत आना। अरे अरे ये ओरिजिनल है। अरे बाप रे, पूरी यूनिवर्सिटी को खुले बाल रखना अच्छा लगता है, तुम ऐसे क्यों नहीं रखते? अरे बाप रे, ये लड़की है और ये लड़का है तो अलग अलग होंगे। लड़का है लड़की है क्या मतलब? दरअसल इसके माता पिता नहीं है, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप इसके पिता बन जाए, पर आप तो ध्यान ही नहीं देते। आप इसके पिता नहीं बन सकते। बन सकता नहीं बन सकते? बन सकता हूँ। नहीं बन सकते? नहीं बन सकते? नहीं बन सकता हूँ। बन सकता हूँ? बन सकता हूँ। पहले जब मैंने इनको डैडी कहा तो समझ में नहीं आ रहा था, आज ये खुद डैडी बनना चाहते हैं ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। अरे रे, दरअसल ये इनको तुम्हारे पिता बनाने का आइडिया था। कान बंद कर लो, ये गंदी बात कर रहा है। अरे अब आप लोग जाइए, मैं इन्हें संभाल लूंगा। हम चलते हैं डैडी। अब आप डैडी बनने के लिए तैयार हो गए हैं, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। डैडी का मतलब क्या होता है? हे भगवान। ए, क्या हो रहा है इधर? अभी तक कुछ हुआ नहीं है पर अब होने वाला है। ये अपने बेटे की शादी करवा रहे हैं। शादी करवा? आप इन दोनों को माला दो, ये तू मंत्र पढ़ दे। ओ मंगलम भगवान है विष्णु मंगलम करुणा ध्वजा। अब तुम हार पहनाओ, हार पहनाओ, हार पहनाओ। अभी शादी हो रही है और तू कह रहा है पहना दो पहना दो। और तू क्या देख रहा है? मम्मूटी गेटअप चेंज करके शादी करवा रहा है क्या? क्या मम्मूटी? क्या मम्मूटी से तेरी सेटिंग है क्या? अरे क्या कर रहे सर, मंगलसूत्र तो दो। मंगलसूत्र क्या होता है? देखो अभी इसका मतलब नहीं पूछना। मंगलसूत्र मतलब मंगलसूत्र। मंगलसूत्र कहाँ है? वो देखो उधर है, वही है। हाँ वही है, वही है। तेरा डैडी बोल रहा है मंगलसूत्र पहनाओ। वीरप्पन मिल गया, वीरप्पन मिल गया। ये तो वीरप्पन नहीं है। वीरप्पन? वीरप्पन कहाँ है? वीरप्पन मिल गया, वीरप्पन मिल गया। चलो शादी हो गई। खड़े क्यों? जाओ हनीमून में, जाओ जाओ जाओ, जल्दी करो। चलो आप नहीं, ये लोग जाएंगे। क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? स्वागत। चलो रे, संभाल के उतारो, आराम से। पापा आराम से, आराम से उतरे। देखो प्रभा, मैं तुम पर विश्वास करके इन्हें बाहर भेज रही हूँ। वैसे हम किसी को बाहर नहीं भेजते, तुम इन्हें ठीक से यहाँ पर ले आना। क्या कर रहे हो तुम? मैं गाड़ी में नंबर लिख रहा हूँ। तो मुझे पैसे मिलेंगे। हाँ पैसे, बहुत सारे पैसे, 4-5-6। क्या हुआ डैडी? डैडी क्या हुआ, किधर जा रहे हैं? गाड़ी से उतर जा। टैंक फुल। टैंक? कल ही तो फुल किया था मैंने। मेरा टैंक फुल है, मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा ये बात है, जाइए बगल में जाइए। टैंक फुल कहाँ जाऊँ? टैंक फुल? मैं समझा नहीं। ओह आपने बताया, मैं समझ गया। ये देखिए सर, इधर है, बहुत से मॉडल है, आपको कौन सा चाहिए पसंद कर लीजिए। देखिए पागल, कौन है तू? कहाँ से आया? मेरी दुकान गंदी कर दी। अरे डैडी तो शॉप के अंदर गए, जल्दी आओ। सर 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 सर, उनके दिमाग ठीक नहीं है। सर सर माफ कीजिए सर, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए सर। सर उसको भी दो। बाहर जाकर बात करो। मालिक, मैं भीमा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। हम सोच रहे थे इलेक्शन कमिश्नर मर गया, मगर वो जिंदा है। किधर है वो? यहीं पास में ही है, आप जल्दी से आ जाओ। Yeah.
किधर है वो? करने के बाद जब मैंने वापस दिखा तो कहीं नहीं दिखा मालिक, मैं लेकिन उसे जल्दी ही ढूंढ लूंगा। दिमाग नहीं है क्या? मैंने जानबूझकर कुछ छोड़ दिया उसे। मैं फोन पर बात कर रहा था तब तक भीड़ आई और चला गया। देख तू तो कुछ भी कर, मुझे वो चाहिए। प्रभा डैडी कहाँ है? ट्रीटमेंट का वक्त हो गया है। अभी लाकर। डैडी रूम में दिखाई नहीं दे रहे। क्या कह रही हो तुम? डैडी के साथ हो ये सोचकर मैं बाहर आ गया। मेरे भैया का फोन आया था, उनसे बात कर रही थी। ये क्या किया श्वेता तुमने? ठीक है तुम उधर देखो। ए तुम लोग पीछे जाओ, मैं इधर देखता हूँ। ए तू इधर किधर जा रहा है? खेलने के लिए। किसके साथ खेलेगा? उसके लिए तू है ना। ए अंकल कहीं दिखे क्या? नहीं मैं बीरप्पन नहीं हूँ। तुमने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा क्या? वो उधर गया है बीरप्पन को पकड़ने, पानी की तरफ। अरे वो डूब रहा है। डैडी डैडी अरे डैडी क्या हुआ इनको? हमारे डैडी का दिमाग ठीक नहीं है, हम लोग इन्हें यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लेकर आए हैं। अकेले मत छोड़िए इनको, इनको कहीं कुछ हो जाता तो। वो तो मैं था कि थैंक्स ब्रदर। अरे नहीं नहीं, मेनी मेनी थैंक्स टू यू। ठीक है ले जाइए, चलिए डैडी ले जाइए, चलिए आइए चलिए। नमस्ते नमस्ते दमा जी। नमस्ते नमस्ते। ओ ससुर जी, मैंने आपके इमेज को डैमेज किया है इसलिए मैं अपनी लड़की की शादी आपसे कराना चाहता हूं। सही वक्त पर लड़के को ढूंढकर लड़की आई जाती है तो ओके। सर आपके लिए कौन है? मालिक इस शहर में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां मैंने उसे नहीं ढूंढा, पर इलेक्शन कमिश्नर मुझे कहीं नहीं मिला। उसको हर हाल में ढूंढो, तेरी कोई भी बात सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। जल्दी से ढूंढ के सामने ला, वरना जिस तलवार से उसे काटना है तुझे काट दूंगा। सॉरी। एक्सक्यूज मी, एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस ऐसे ही। आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? क्या प्रॉब्लम है? जाइए यहाँ से बाहर, जाइए यहाँ से। क्या हुआ ब्रदर? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी सपने में इनको ऐसे दोहराते रहते हैं। थैंक यू सो मच। इसमें कौन सी लड़की है कौन सा लड़का है समझ में नहीं आता, फिर आपको कैसे मजा आ रहा है? मैं चाहे जिसको भी देखूं तुम ही नजर आते हो। मुझे नींद आ रही है, आप लोग तो राखी सावंत का डांस समझकर देख रहे हैं, सभी मुकोटा लगाकर नाच रहे हैं, आप आ रहे कि नहीं? राखी सावंत कौन है? मेरी बहन है। देखो अपने पिताजी को संभाल कर ले आना, मैं चलता हूँ। हाँ। देखो वो क्या है कि मालिक सेक्रेटरी को तुमने देखा? नहीं पता नहीं कहाँ है। काम में ध्यान नहीं है, डांस देखने आया हो क्या? चलो मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अरे बचाओ।
अरे प्रभा कहाँ है? मैं उसके लिए अपने हाथों से टिफिन बनाकर लेकर आई हूँ। प्रभाकर ने हमें टेस्ट करने के लिए कहा था। अब मेरा मेन स्विच काम नहीं करेगा। हटो 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 रास्ते से हटो 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 अरे अरे ये क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ। सबको यहाँ परेशान कर रहा है। नहीं, वो मेरे डैडी है। नाचना बंद करो, ये मेरे डैडी है। सुनो, मैं केरला का मुख्यमंत्री हूँ। मैंने नई पार्टी बनाई है और उसका नाम है केरला कांग्रेस पार्टी। आप अपना वोट हमें दीजिए। ये सब क्या है? मैं तो डर गई। प्रभाकर, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? पहले अपने डैडी को रूम में लेकर जाओ। सर, मैं अंदर ले चलता हूँ। चलिए डैडी, चलिए। मेरी पार्टी को वोट देना, मेरी पार्टी को वोट देना। हंगामा हो रहा है, पता नहीं सब कहाँ है। छी, दमाद आ रहे हैं, हट जाओ हट जाओ। हेलीकॉप्टर से आप आए? कौन है आप लोग? शेर हमेशा अकेले आता है, सुअर हमेशा भीड़ में आती है, जैसे आप लोग खड़े हैं। देखा दामाद जी हमारे कमाल को। ओके, ध्यान से सुनो, आपके शहर में जो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल है ना, जो बड़ा है उसे मैं छोटा करूंगा, जो छोटा है उसे मैं बड़ा करूंगा। ओहो, म्युनिसिपैलिटी वाले हैं आप। पहले हमारे गाँव में बस स्टैंड नहीं है, पहले उसको बनवाइए। अरे आप जाइए यहाँ से, आ गए हमारा काम बिगाड़ने। आप लोगों को सुविधा देने आए, मगर आप लोग इस लायक हैं नहीं। फोकट में दिमाग खराब करते हैं। हमें मालूम है क्या करना है, पहले जाइए आप यहाँ से। मैं आप लोगों की भलाई करने आया हूँ और आप लोग बीच में टांग अड़ा रहे हो। ओके ओके ओके, मैं अंदर जाके अपने सेक्रेटरी से बात करता हूँ। मुझे आपसे बात करना है, अंदर चलिए। नो प्रॉब्लम। ओके, दामाद जी। ओके भैया। ओके, कम ऑन, स्टॉप, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, पहले मैं। या या या, एक्सक्यूज मी, आप तो गोजी है ना? अरे आप तो मरे नहीं, यू आर अंडर अरेस्ट। सर, आपके लिए कॉल। नो कॉल। ये टुगो जी नहीं, उनके ब्रदर पुगो जी हैं। टुगो जी की अस्थियों को गंगा में बहाने के लिए आए हैं, ये बाहर इंडिया से आए हैं। देखा तुमने, सही रूप में आया तो गेटअप में आया बोलते हैं, और गेटअप में आया हूँ तो बोलते हैं सही रूप में आओ। आई कैन नॉट चेंज द ब्रेन्स ऑफ इंडिया। सॉरी सर, अभी आप जा सकते। देखो दामाद जी, आप जिंदा है मगर आपके सामने मरा हुआ फोटो। चुप हो जाओ, वरना इसकी जगह तुम्हारा फोटो लगेगा। मगर दामाद जी, इस गेटअप में बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये पकड़िए पोलो। या नाउ सी, अभी पता चल गया तुम ही तुगो जी हो। चलो पुलिस स्टेशन। बोलो देकर पुलिस में पकड़वा दिया। अरे
मैंने उसे हर जगह ढूंढा मगर मैं तो परेशान हो गया हूँ, किसी काम के नहीं होते। मेरी बात पर यकीन कीजिए मालिक, मैं सच कह रहा हूँ। चुप कर। तहसीलदार ऑफिस, इलेक्शन ऑफिस, कॉर्पोरेशन ऑफिस, सब जगह पूछताछ किया और पोस्ट ऑफिस में भी पूछताछ की मैंने, मगर उसकी कोई खबर ही नहीं है। कम ऑन डैडी, कम ऑन। मालिक बोलो, इतने सालों से हमें जिसकी तलाश थी वो मिल गया। सच में? हाँ, वो देख। तुम्हारे इस हालत का कारण यही है। Excuse me, ये कॉटेज नंबर 6 कहाँ पर है? कौन चाहिए आपको? मिस्टर लक्ष्मी नारायण। आप कौन हैं? मैं उनका साला हूँ। सोलह में से एक निकालो तो 9 होता है। ए प्रभा, इधर आओ। क्या बात है? अभी अभी तुम्हारे डैडी से मिलने कोई आया है। डैडी से मिलने? हाँ, कह रहा था कि वो उनका साला है। डैडी का साला? प्रभा, वो कैसा दिखता है पता है? उसकी दाढ़ी मूछें हैं और दिखने में गुंडा जैसा लगता है। पकड़ो, पकड़ो इसे, पकड़ो। मेरे पति को मार कर चला गया। अरे तो वीरप्पन नहीं है। प्रभाकर, क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई मेरे डैडी को मारने आया था। डैडी को मारने आया था? बोलो मत। क्या हुआ? मेरे साथ वॉकिंग पर चलोगे? हाँ, चलो। क्या हुआ प्रभाकर? वो अभी यहाँ मेरे पिताजी को कोई मारने आया था। ये कैसे हो सकता है, यहाँ VIP लोग रहते हैं। इम्पॉसिबल। देखो तुम डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? थैंक यू, मैं संभाल लूंगा। देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना, ओके? ए, फॉलो मी। ये तो अच्छा हुआ कि वो हमें मिल गया, अगर नहीं मिलता तो सोचो हमारा क्या होता। कुछ नहीं होगा, यहाँ जैसे खाएंगे वैसे ही जेल के अंदर खाएंगे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, साला कहकर डैडी को कौन मारने आया था? तुम्हारे डैडी का साला है, तुम क्या बक रहे हो यार? बेटा मेरी तो कुछ भी समझ में थोड़ा रुको बेटा। मैंने रामराज के आदमियों को बाहर देखा है, लगता है आपके डैडी जिंदा है, उनको पता चल गया है इसीलिए आए हैं। मुझे डर लग रहा है बेटा। अब मैं समझ गया, तुम्हारे डैडी को मारने के लिए उन्होंने ही उसे भेजा था। सुनो, तुम्हारे डैडी को 6 महीने तक चिकित्सा करना जरूरी है, कम से कम 3 महीने तक यहाँ पर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ प्रभाकर सर, तुम्हारे डैडी को देने वाला आखिरी चिकित्सा मैं कल से रखूंगा, उसको अच्छी तरह साफ करके तुम ले आना। हाँ ठीक है जी। सर जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं उससे डैडी ठीक हो जाएंगे ना? सही हो यही तो विश्वास है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। नटराज मालिक, कल चिकित्सा के लिए जो चाहिए वो तैयार करके रख। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। चलो चलते। ए प्रभाकर, क्या बात है? हम सब है ना यहाँ, कौन आएगा? तुम जाओ डैडी के पास जाके सो जाओ, लड़की को भी सोने के लिए कहो। ए बेटी जाओ जाके सो जाओ। जाओ श्वेता, हम सब है ना, जाके सो जाओ। गुड नाइट। Thank you.
क्या आप भी रात में भी ऐसा रूप बना लेते हैं? सुबह आपका ट्रीटमेंट होना है, जाकर सो जाइए। अरे ये तो मेरी ड्रेस है। ए, तुम मेरे कपड़े पहनकर क्यों घूम रहे हो? लाओ मुझे दो। तुम्हें चाहिए तो चूड़ीदार पहन लो, जाओ। बाप रे, ये क्या हो गया? मुझे अंधेरे से डर लगता है। पत्ती जला, मुझे अंधेरे से डर लगता है। रुको। तुझे बताऊं तेरे डैडी को क्यों मारना चाहता हूं? मेरे बाप के पागल होने की वजह तेरा बाप है। तुझे पता है सड़क पर साड़ी पहनकर घूमने की वजह से मेरा बाप पागल हुआ, और उसकी वजह तेरा बाप है। तेरे बाप की वजह से हमने बहुत तकलीफें झेली हैं। यहां अगर पता चला कि मेरे बाप को पागल करने वाला तेरा बाप अभी जिंदा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरे अंदर जो गर्मी है वो मुझ में भी है। अपने फायदे के लिए तेरे बाप ने मेरे डैडी को जाल में फंसाकर मेरी माँ की हत्या कर दी। डैडी अब अपने ही बेटे को नहीं पहचान पा रहे, और बाप के होते हुए भी मैं अनाथ हूँ। इसका जिम्मेदार तेरा बाप है, फिर भी मैं चुप हूँ। जानता है क्यों? इसका कारण है कि मेरे डैडी की तूने एक बार जान बचाई थी, लेकिन अब तू ये जान ले कि मेरे होते हुए मेरे डैडी का तू बाल भी बांका नहीं कर सकता। तू अपने साथ चाहे हजारों को भी लेकर आ, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि उनका बेटा जिंदा है। अभी तू यहाँ से चला जा, क्योंकि तूने मेरे ऊपर एक एहसान किया था जिसके बदले मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। तेरे बाप की मौत मेरे ही हाथों होगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये लोगों का चिकित्सा करने का पुण्य तालाब है, इसको आप अपवित्र नहीं कर सकते। आप लोगों की दुश्मनी मिटाने की जगह ये नहीं है। अब तुम लोगों के डैडी की चिकित्सा यहाँ नहीं होगी, तुम लोग समझ गए? कल सुबह तुम दोनों इस चिकित्सालय से चले जाना। जिस चिकित्सालय में लोगों को जिंदगी मिलती है वहाँ तुम लोग लड़ रहे हो। तुम लोग चले जाओ, वरना पुलिस को बुलाना पड़ेगा मुझे। जाओ। डैडी आप इधर क्यों खड़े हैं? उधर सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ट्रीटमेंट का टाइम हो गया डैडी, समझने की कोशिश कीजिए। डैडी मेरी बात मान। मेरी बात मानिए डैडी। क्या हुआ? अरे ये कैसे गिर गया? अरे चलो नीचे, चलो जल्दी आओ, चलो मेरे साथ आओ अंकल। नहीं चलूंगा, चलूंगा। ओए, क्या हुआ? नटराज ऊपर से कूद के मर गया, अगला तेरा बाप होगा। अरे ऊपर क्या देख रहा है? शहर के कोने में खंडहर है, वहां तेरे बाप की लाश मिलेगी। आजा।
डैडी 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 वो देखो वो देखो वो देखो डैडी 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 वो देखो डैडी वो देखो तुम्हारा जिसने हाल किया उसे देखो डैडी डैडी उसे देखो उसे उसे अपने हाथ से मारो डैडी उसे उसे अपने हाथ से मारो डैडी 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 देखो उसे अपने हाथों से मारो डैडी चलो डैडी उसे अपने हाथों से मारो डैडी 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 एक बार देखो डैडी डैडी ये दो तलवार क्या करूं जोर से लग रहा है अंकल मारो अंकल मारो नहीं मारूंगा अंकल मारो ऐसे बोलेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे उसे मत मारना मारूंगा Oh, my God.
No!